मेरा प्रश्न है गुरु जी, चित्त में जो क्लेशात्मक मन कर्म, जो क्लेशात्मक कर्म है, उसको कैसे नष्ट करें? क्योंकि मुझे जो है बहुत गर्मी होती है, चारों तरफ आग ही आग दिखाई देता है, तो मुझे मालूम नहीं है क्या करना है। देखो, जो हमने कमाया है पूर्व जन्म में, जो कर्म किया है, वो हमारे चित्त में भरा हुआ है, हमें भोगना ही होगा। अच्छा, अब आ जाए क्लेशात्मक और कर्म कम कैसे करें, तो उसके लिए तो यही है कि समाधि का अभ्यास करें, यानी योग का अभ्यास, आगे जा करके और थोड़ी कठोरता बरतें, समाधि की अवस्था प्राप्त करें। सब विकल्प समाधि में कर्म थोड़े कम होने लगते हैं, यानी कंठचक्र खुलने के बाद कर्मों पर ज़्यादा दबाव पड़ता है। इसके अलावा भी आपका कंठचक्र तो खुला नहीं है, कुंडली का गले तक आती महसूस होती है? नहीं, सर तक चले जाता है। सर तक प्राण आपका जाता कुंडली कंठचक्र खुल रहा, जब एक ऐसा लेजर लेजर कुछ कटा हुआ। अच्छा, कोई बात नहीं, वहाँ पर दबाव लगता होगा, आपने हाथ से इशारा किया, सिर्फ ऊपरी भाग में वहाँ प्राण जाता होगा या क्रिया करता होगा। कंठचक्र तो अभी मुझे सही जानकारी नहीं है, कुछ समय से किया आपका नहीं, लेकिन आपने कुछ ऐसा लिखा था। सविकल्प समाधि लगती है मुझे। कौन सी समाधि? सविकल्प समाधि लगती है। सविकल्प समाधि कंठ चक्र के बाद लगती है, एक नियम है, लेकिन आपने अभी कहा, लेकिन जहाँ तक कुछ समय पहले तक मुझे जानकारी कि आपका कंठ नहीं खुला था, अब एकदम मैं नहीं कह पाऊंगा कि जब तक मुझे जल्दी से जानकारी ना हो। और आप कहते हैं कंठ खुल गया, कब खुला आपको महसूस, कब? मैं जब दिल्ली शिविर में आई थी, तो उसके करीब एक महीने बाद तो मुझे लगा कि कंठ में एक लेजर जैसा कट गया था, और उसके बाद ये मतलब ऊपर प्राण जो है ऊपर चले गए ऐसा लगता है गुरुजी। ये शायद मई जून में कि कुंडली का दबाव जब गले पे यानी कंठचक्र पर ज़्यादा पड़ता है। अभी मैं सही निर्णय, क्योंकि आपने एकदम कह दिया खुल गया, मैं चलो अगर खुल गया होगा। और जो ना पहले मैं बताती हूँ कि जो वायु जो है, पहले भारीपन पैर की तरफ होता था, अब पूरा हल्कापन आ जाता है पैर में, सब हल्कापन ऊपर लगता, ऊपर चढ़ गया लगता है। प्राण गले में नहीं रुकता? नहीं रुकता जी। चलो अब देखेंगे, अब साधना करेंगे तो अच्छी बात है। आपने लिखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया कि कंठचक्र, हालांकि मुझे याद है दिल्ली मैंने कहा था कि कंठ में यहाँ पर कंठचक्र किसी से आप शक्ति पाठ करा लें। हाँ, आपने कहा था, पर किसे करूँ मालूम नहीं था। चलो अगर खुल गया होगा तो अच्छी बात है, हमें खुशी हुई। तो ठीक है, अब आप प्रश्न क्लेशात्मक कर्म के विषय में पूछा, तो जब आप समाधि जितनी ज्यादा लगाएंगी, आपके धीरे धीरे ही कर्मों का नष्ट होना नष्ट होंगे, और जब क्लेशात्मक कर्म भोगे जाते हैं तो समाज से बड़े दुख मिलते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के समाज, यानी जहाँ होते घर के, परिवार की, मोहल्ले की, समाज की, रिश्तेदारों से, अपनों से और परायों से भी, क्योंकि कर्म है किसी न किसी तरह से भोगना है, तो उसके लिए धैर्यवान होना बहुत जरूरी है, और कठोर अभ्यास में लगे रहें, जितनी जल्दी हो जल्दी आगे की ओर, यानी जो भी है अपने अंतःकरण की सफाई करते रहें, और ये बहुत लंबा समय है, जितना ज़्यादा आप इसको सह लेंगे उतना ही अच्छा है। और अभ्यास के अलावा प्राणायाम पर विशेष ध्यान दें, प्राणों का भी वो होता है, लेकिन क्लेशात्मक कर्मों का नियम है, भोगे ही जाते हैं, हमने भी बहुत भोगे, कुछ साधकों को मालूम है लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ है इन्हें तो मालूम ही नहीं, घोर कष्ट सहे, अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अगर स्पष्ट कहूँ, 3 दिन तक मैंने भरसक प्रयास किया, रोटी नसीब नहीं हुई, जबकि मैं संपन्न परिवार से संबंधित हूँ। क्लेशात्मक कर्म से कहते हैं, उदाहरण ले लिया, समाज ने धक्के मार के मुझे, जहाँ मैं जाता था अब क्या नाम लूँ, जो मेरे अपने थे, जैसे पता लगता मेरी शक्ल देखते हैं, भैया यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, आप जाइए, हम नहीं रखते। इसे कर्म कहते हैं। आज वही
मेरे वो लोग अपने हैं, सम्मान देते हैं, मुझे बुलाते हैं, लेकिन मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया है, जंगल में छोटी जगह में अपना जीवन व्यतीत कर। तो क्लेशात्मक कर्म ऐसे होते हैं, तो यानी घोर कष्ट आता है। और सभी साधक को एक ना एक दिन आएंगे, बच नहीं सकते। इसीलिए साधकों से क्या, सभी से कहता हूँ, कर्म अच्छे करो, नहीं तो कभी न कभी भोगने ही होंगे। तो साधक के लिए एक अच्छा, जब क्लेशात्मक कर्म भोगा जाता है तो समझ लो कि उसका चित्त यानी अंतःकरण शुद्ध हो रहा है, एक अच्छी बात है, आगे के लिए एक अच्छा संदेश है, मार्ग प्रशस्त होने के लिए। वो भोगा ही जाता है, उसके लिए यही है कि ईश्वर को हमेशा याद करते रहें, अभ्यास करते रहें, अपना जीवन संयमित होकर के गुजारते रहें। उसका हल नहीं है, ये प्रकट का नियम है। कुछ कर्म होते हैं मार्गदर्शक कम कर देता है, लेकिन जो क्लेशात्मक कर्म होते हैं उन पर किसी का बस नहीं चलता। उन कर्मों का कहीं ना कहीं कुछ होता है, घटनाएं घटने का कोई कारण होता है। जैसा मैंने अभी थोड़ी समय कहा कि मेरी ये अवस्था यानी संसार में ऐसे मिली कि जहां भी जाता भगा देते थे मुझे। तो क्या था, उससे मैंने शिक्षा ली। आज मुझे ना तो मुझे घर की कोई चिंता है, ना रिश्तेदारों की, ना कोई मेरा अपना है, ना पराया, सभी अपने हैं। देखो कितनी अच्छी चीज़ मुझे प्रकृति ने सिखाया। लोग अपना 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 कहते हैं, वही मैं जब साधकों से कहता हूँ, बेचारे सुन लेते हैं, मैं गुरु हूँ उनका, लेकिन मन में कुछ ना कुछ कहते होंगे जब मैं थोड़ा कड़क होता हूँ। लेकिन ये नहीं देखते मेरे, मैं अपने साधकों कहता जिनका जो बसवारे हैं कि देखो मेरा जब ये हाल हुआ तब मैं यहाँ तक आया, कोई यहाँ अपना नहीं है, सिर्फ अकेला, और कर्म ही साथ देता है और कोई भी रिश्ता साथ नहीं देता है। तो इसलिए भोगना ही होता है, जब कर्म आते हैं भोग के नष्ट होते हैं, लेकिन प्रकृति उसके द्वारा शिक्षा दे रही होती है। हमें शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई अपना नहीं है, सिर्फ मैं अकेला हूँ, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे, इसके लिए होता है जी। भोग के ही नष्ट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Remember to like, comment and subscribe. Thank you.